लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया। मैं सानिया जैन आपके साथ। साहित्य जगत के प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 की घोषणा हो चुकी है। अंकितम अच्युतन नंबूदरी को इस साल का पुरस्कार दिया जा रहा है। 55वें पुरस्कार की घोषणा के पहले मशहूर उड़िया लेखक प्रतिभा राय की अध्यक्षता में निर्णायक मंडल की बैठक हुई, जिसमें शमीन हनफी, सुरंजन दास, माधव कौशिक और डॉक्टर पुरुषोत्तम विली माले समेत अन्य सदस्य मौजूद थे। बैठक में लंबी चर्चा के बाद अंकितम का नाम तय किया गया। अंकितम का नाम मलयालम कविता जगत में आदर के लिया जाता है। अंकितम का जन्म 8 मार्च 1926 को केरल के पलक्कड़ जिले में हुआ था और बचपन से ही उनकी रुचि साहित्य और कला की ओर थी। कविता के अलावा अंकितम ने नाटक और उपन्यास भी लिखे हैं। अंकितम को साहित्य अकादमी पुरस्कार, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार, आशन पुरस्कार, कबीर सम्मान समेत कई अन्य पुरस्कार मिल चुके हैं। उनकी रचनाओं का कई भारतीय भाषाओं के अलावा विदेशी भाषाओं में भी अनुवाद हो चुका है। उन्होंने 55 किताबें लिखी हैं, जिनमें से 45 कविता संग्रह हैं। निर्णायक मंडल ने बयान जारी कर कहा, ज्ञानपीठ चयन बोर्ड ने एक बैठक में 55वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 के लिए मलयालम के प्रसिद्ध भारतीय कवि श्री अंकितम को चुना है। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज 29 इंडिया के साथ। एक देश सारे प्रदेश।